अब उनके लिए, उनके लिए दौरे के सिवा बचा क्या है। उन्होंने तो मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार लाने की अच्छी बात है। सोच तो सब लगाएंगे, फिर मतदान पर आधार है, जो मतदान हुक्म करेगा वही होगा। आपने बागेश्वर धाम यहाँ दर्शन किए, क्या मांगा है आपने यहाँ पर? बस मैंने वही मांगा है कि देश में सुख शांति बनी रहे और हमारे भाई साहब देश के पंत प्रधान फिर से 2024 में बने। जरूर बनेंगे। आपको क्या लगता है कि आप दर्शन करने आए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस सोटे की बात करती है, गदा की बात करती है, पूंछ की बात करती है, क्या लगता है इस बार? अरे कांग्रेस को तो जो करना वो कहने दो ना, उसमें क्या बात है। हमें तो विकास की बात है, देश का विकास, देश की इज्जत, देश की शान। महाराज से आपकी मुलाकात हुई है? महाराज जी से मुलाकात की ना मैंने, क्या कहना है उनका? बस वो तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो फिर उनसे क्या बात करेंगे। आशीर्वाद लिया आपने? अब बस आशीर्वाद देना उनका काम है और आशीर्वाद लेना हमारा काम है। जिस तरीके से महाराज जी की कल्पना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर, क्या मानते हैं आपको, क्या है? उसको समय लगेगा लेकिन उसको जवाब मिलेगा जनता की ओर से। क्या आप अपने भाई साहब से इस संबंध में हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा करेंगे? अरे हमें चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हो कि उनकी कार्य प्रणाली क्या है। तो क्या आने वाले समय में लोकसभा जो होगा आगे वाला, तो उसमें क्या जब तक हिंदू राष्ट्र बन के तैयार हो जाएगा? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों की इच्छा होगी तो उसको, प्रबल इच्छा को भगवान पूरा करेंगे। अब उनके लिए, उनके लिए दौरे के सिवा बचा क्या है। उन्होंने तो मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार लाने की अच्छी बात है। सोच तो सब लगाएंगे, फिर मतदान पर आधार है, जो मतदान हुक्म करेगा वही होगा। आपने बागेश्वर धाम यहाँ दर्शन किए, क्या मांगा है आपने यहाँ पर? बस मैंने वही मांगा है कि देश में सुख शांति बनी रहे और हमारे भाई साहब देश के पंत प्रधान फिर से 2024 में बने। जरूर बनेंगे। आपको क्या लगता है कि आप दर्शन करने आए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस सोटे की बात करती है, गदा की बात करती है, पूंछ की बात करती है, क्या लगता है इस बार? अरे कांग्रेस को तो जो करना वो कहने दो ना, उसमें क्या बात है। हमें तो विकास की बात है, देश का विकास, देश की इज्जत, देश की शान। महाराज से आपकी मुलाकात हुई है? महाराज जी से मुलाकात की ना मैंने, क्या कहना है उनका? बस वो तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो फिर उनसे क्या बात करेंगे। आशीर्वाद लिया आपने? बस आशीर्वाद देना उनका काम है और आशीर्वाद लेना हमारा काम है। जिस तरीके से महाराज जी की कल्पना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर, क्या मानते हैं आपको, क्या है? उसको समय लगेगा लेकिन उसको जवाब मिलेगा जनता की ओर से। क्या आप अपने भाई साहब से इस संबंध में हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा करेंगे? अरे हमें चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हो कि उनकी कार्य प्रणाली क्या है। तो क्या आने वाले समय में लोकसभा जो होगा आगे वाला, तो उसमें क्या जब तक हिंदू राष्ट्र बन के तैयार हो जाएगा? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों की इच्छा होगी तो उसको, प्रबल इच्छा को भगवान पूरा करेंगे।